अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं भाई आप सब लोग, और भाई कैसा है आज का दिन। भाई रात को तो हम गए थे बाहर डिनर पे, तो लेट नाइट बहुत हो गया था, तो मैंने अम्मी को अपने घर पे ही रोक लिया। मैंने कहा आप कहाँ जाएंगी, वैसे अब बहुत दिनों के बाद आती हैं, आप आज रुक जाएँ। तो बस अब्रिश आ गई स्कूल से, और अम्मी बना रही हैं इस वक्त आलू गोश्त। मैंने अम्मी से कहा अम्मी आपके हाथ के आलू गोश्त खाने का मेरा बहुत दिल चाह रहा है, क्योंकि जैसा अम्मी बनाती हैं वो मुझसे नहीं बनता, ये बात तो डेफिनेट सी है। तो बस अम्मी बना रही हैं आलू गोश्त, और फिर हम खाएंगे बड़े मज़े से। अभी तो खैर खाने का टाइम नहीं है, हम सब ने नाश्ता किया है। तो बस ये थी अभी तक की अपडेट, फिर इंशाल्लाह आगे लेके चलते हैं आपको आज के दिन में पूरा दिन साथ साथ। देखें नाज़रीन, सुबह 8 बजे के मनाजिर है, ये चोर को पकड़ लिया है हमारी गली में, बाइकों से बैटरीज निकालते हुए ना इसको पकड़ा गया है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा किया है, इसकी कुट लगा दें ठीक तरीके से। गुड ज़िमर इज़ डूइंग फन विद खाल, और इनको भी करें, इतने बड़े बच्चे को कैसे कर सकते हैं। चलें जी, अब हमारे पास हो गया दोपहर के खाने का टाइम, और अम्मी ने बनाया आलू गोश्त बहुत मज़ेदार सा। मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कितना मज़े का ये। सी द आलू गोश्त, यमी, बहुत ही यमी, माई गॉड लवली। बस बात ये है कि भाई आज अम्मी से मैंने बनवाया आलू गोश्त, क्योंकि जब भी हम अम्मी के घर जाते हैं वही पाई नहारे कोफ्ती और बिरयानी ये वो सब चीज़ें होते, आलू गोश्त बेचारे की नौबत ही नहीं आती थी। तो मैंने आज अम्मी से कहा आज आप मेरे घर बनाए, आज आपके हाथ से मुझे आपके हाथ का बना हुआ आलू गोश्त खाना है, बहुत ही, चाहे बीफ का हो चाहे चिकन का, हमने बीफ का बनाया। तो चले खाना खाते हैं, अपने जिमल को खिला दिए नानी ने, मैं जब तक शावर ले रही थी सारे कामों से आज मैं फारिग हो चुकी हूँ। तो बस अब बैठते हैं खाना खाने के लिए, सब शुरू कर चुके हैं, तो बस शुरू करते हैं और फिर खाने के बाद मिलते हैं। चलें जी, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, बताने की क्या बात है, बने ही बहुत मज़े का। मैं फिर भी बता देती हूँ आप लोगों के सामने थोड़ा सा खाते। ऑसम, बहुत ही लजीज, शराफत के साथ खाना खाते हैं अच्छे बच्चों के ना, फिर आपसे मिलते हैं। ये मस्तियाँ हो रही हैं भाई नानी के साथ। चलो चले भाई, अम्मी जाने लगी हैं। चले अम्मी, अल्लाह हाफिज़। ओहो, टाटा, तुम लोग भी जा रही हो? चलो सारा सारा, हे बाजी, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़ अम्मी। तुम लोग अंदर आओ, चलो शाबाश अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है बस अब। हाँ, अब पढ़ना है बेटा, अल्लाह हाफिज़। चलो वहाँ से देखते हैं गिरली से खाला जान को, वो जा रही हैं नानी। हटो अब्रिश, तुम तो हटो। चलो खैर है, वो चली गई, इतना बड़ा सर आ गया। चले तो नानी चली गई हैं, अब हम फिर से आ गए हैं अपनी रूटीन में, बैक टू वर्क। अभी अभी गई हैं, बस 5 मिनट भी नहीं हुए, और मैंने अब्रिश का पढ़ने बैठा, क्योंकि कल तो है अब्रिश की ईदलन पार्टी, और थर्सडे से अब्रिश के हैं फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट। ओ माई गॉड, एक और बड़ा टास्क मिल गया है सबा अदील जाहिदी को। एक से एक टास्क मिलते रहते हैं रोज़ाना के बेसिस से, डेली बेसिस पे टास्क मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म के। तो ये एक बहुत ही सख्त टास्क है जिसका रिजल्ट जनरेट होगा कुछ टाइम के बाद, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, पूरे साल की मेहनत है। और अब्रिश पहली दफ़ा पेपर देगी KG 2 के क्लास, KG 2 के यानी कि सीनियर क्लास के, अब 1 में चली जाएगी इंशाल्लाह, तकरीबन चली गई है मेरी तरफ से तो। क्योंकि मुझे पता है पेपर अच्छे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो चलो जल्दी से पढ़ाते हैं मदरसा कुरान वुरान सब कुछ एक साथ, और फिर करते हैं फारिग इस काम को। जी फाइनली हमने डन कर ली है अपनी पढ़ाई का, टाइम हो गया मुकम्मल, काफ़ी टाइम लगता है और आँखें मेरी झुक सी जाती हैं पढ़ाने के टाइम में, मैं यूँ हो जाती हूँ यूँ। हाय एवरेज बहुत थकाती है, अब जाओ जाओ सारी चीज़ें समेटो, ये वाला मदरसे का बैग, ट्यूशन का बैग, सारी चीज़। और अब ये लोग जाएंगी बाबा के साथ बाहर चीज़ लेने, मैं देखूँगी कंप्यूटर को थोड़ी देर, कुछ काम है, ये लेकर आ गई हैं अपने शूज़। चलो भाई चलो शूज़ पहना दो जिम्मे को, काफ़ी पूरे एक महीने के बाद इस टाइम पे इतनी उथल पेल होती थी ना, अब ऐसा लग रहा है कितना ज़्यादा वक्त में जैसे ठहराव आ गया है, थोड़ा सा काम हो गया ना, सारा वक्त ठहर सा गया ना। तो इस टाइम पे इतनी उथल पुथल होती थी 6:15 बजे के वक्त, ये तो आप सबको भी अंदाज़ा है। अब ये बाजी सुगरा और बाजी रसकंदा तैयार हो गई हैं जाने के लिए बाबा के साथ चीज़ देने,
एज यू नो शाम का टाइम होता है भाई, चीज का जल्दी से करो बात। और अपने जमल को भी अपनी दुआओं में याद रखो। हाँ अमीन, चलें भैया अभी जाएंगे दोनों और मैं बैठ जाऊंगी अपने कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर को भी टाइम देना ज़रूरी होता है वरना वो उदास हो जाता है मेरे बगैर। बस चलो तुम लोग चले जाना, दरवाज़ा बंद करके मैं बैठने लगी हूँ काम करने थोड़ा बहुत। और बस ये है आज का सीन। तो चले भाई, ये था हमारा आज का व्लॉग। बच्चे सोने लगे थे, रात का टाइम हो गया है, 8 बज चुके हैं। तो बस मैंने सोचा बच्चों को सुनाने से पहले आप सबसे कहूँ खुदाफिज़। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपका ये व्लॉग, हमारी सीधी सादी सी रूटीन हमारी आपको पसंद आएगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चले भाई चलते हैं, कल फिर आएंगे। कल की दिन की क्या रूटीन है, क्या सारे मामलात हैं जी। अम्मू जिम्मी कह रही अम्मू, यानी कि लाइक करें कॉमेंट करें भाई। जमर को भी आगे की बात बोलना अपनी जबान में, जल्दी से बोल दो। चलें भाई, तो ज़रूर आपको इस बात पे हमेशा हमेशा नज़रसानी करनी है। तो इंशाल्लाह बस आप हमें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। तो आज के लिए हम रहते हैं आपसे रुखसत और हम सब मिल के कहेंगे एक दूसरे से आपके साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।